Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मित्रों मेरा नाम डॉक्टर परीक्षित सिरोही मैं वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक विधि संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय आपके सामने स्वयं प्रभा डी चैनल नंबर 26 पर साइबर क्राइम यानी कि साइबर अपराध का कोर्स लेकर आया हूँ इस कोर्स में कुल मिलाकर 10 लेक्चर हैं और आज हम जो है पहला लेक्चर या पहला व्याख्यान आपके सामने लेकर आए हैं जिसका जो जो आधारित है साइबर स्पेस और साइबर अपराध के परिचय इस विषय पे आधारित है आपके समक्ष ये जो हम कोर्स का पहला मॉड्यूल लेकर आए हैं इसमें कुछ विषय जो हम कवर करेंगे वो आपके समक्ष हैं साइबर स्पेस होता क्या है साइबर स्पेस के बारे में थोड़ा सा और आपको बताने का प्रयास करेंगे साइबर अपराध क्या होते हैं इंटरनेट का प्रयोग कर कर किए जाने वाले जो अपराध हैं उनको हम साइबर अपराध कहते हैं ये किस किस प्रकार के अपराध होते हैं जो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू अपराध होते हैं बैंकों में जो है पासवर्ड जो है पासवर्ड का क्या महत्व होता है ये हम थोड़ी सी बात करेंगे बिकॉज़ जो जितने भी आजकल साइबर को लेके अपराध हो रहे हैं हर अपराध में हम देखेंगे कोई ना कोई साइबर का डायमेंशन है साइबर का एंगल है तो बैंकिंग प्रणाली को विशेष रूप से हम देखेंगे आर्थिक प्रणालियों को देखेंगे आ, किस तरह से ये आपसे आपका डेटा चोरी किया जाता है फिशिंग या स्पेयर फिशिंग ये दो अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं स्पेयर फिशिंग थोड़ी सी टारगेटेड होती है और फिशिंग थोड़ी सी जनरल जिस तरह से मछुआरा जो है मछली पकड़ते समय चारा देता है और चारे से मछली को लालायित करता है लालच देता है उसी तरह से ये जो है साइबर अपराधी जो हैं ये यूज़र को लालच देते हैं कि आपकी लॉटरी निकलने वाली है आपका लकी ड्रॉ में नाम आने वाला है मित्रों कोई किसी का कोई ड्रॉ नहीं आता है आपका डेटा चोरी करने की साजिश होती है उसको हम कहते हैं फिशिंग और अगर वो बिल्कुल टारगेटेड हो तो हम कहते हैं स्पेयर फिशिंग जैसे अगर आप मछली पकड़ना चाहते हैं केवल रोहू मछली पकड़ना चाहते हैं केवल एक पर्टिकुलर तरह का व्यक्ति का पर्टिकुलर तरह का डेटा लेना चाहते हैं स्पेयर फिशिंग फिर हम बात करेंगे स्पूफिंग और विशिंग की स्कीमिंग की बात करेंगे जैसे दूध में से मलाई निकाली जाती है उसमें से वही प्रणाली का चर्न करके डेटा निकाला जाता है चोरी किया जाता है उसकी बात करेंगे आ, जो मोबाइल फ़ोन आजकल हम सभी के पास होते हैं मोबाइल फोन से आधारित सिम को बदल लेना या सिम का डुप्लीकेट बना लेना मशीन मशीन हम लोग सब ATM जाते हैं आ, मशीन को लेके क्या-क्या धोखाधड़ी होती है उसकी बात करेंगे डेटा की चोरी जिसको हम डेटा कहते हैं डेटा की चोरी किस तरह से होती है उसका क्या मिस यूज हो सकता है उसको लेके जो है आ, पूरी पूरी आपकी जो पहचान है उसका दुरुपयोग हो सकता है आ, जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के धोखाधड़ी है जो भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के जो बैंक्स हैं उनमें भारत की सीमाओं के बाहर भी जाकर किस तरह से जो है आपके डेटा की चोरी की जा रही है आपसे जो है आपका जो है डेटा के चोरी के आधार पर हो सकता है आपकी पूरी पहचान चुराई जाए आपकी पहचान से फिर उसके बाद और अन्य अपराध किए जाएं सो डेटा चोरी ये जो नीचे हमने बात की है धोखाधड़ी जो आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं उससे लिंक किया जाएगा फिर जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग देखिए बैंकिंग प्रणाली ऐसा नहीं है कि भारत की अलग है और अमेरिका की अलग है आजकल सारी दुनिया में आर्थिक लेन देन काफ़ी लिंक हो गया है इंटरनेट के माध्यम से दुनिया बहुत छोटी सी हो गई है सो so, जो भारत के जो कानून है वो केवल भारत तक ही सीमित है तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय उसी तरह से अमेरिका के कानून अमेरिका तक सीमित है इंग्लैंड के इंग्लैंड तक सीमित है वह ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया तक सीमित है ये जो साइबर अपराधी हैं उनका जो उनका जो है वो, वो कार्य क्षेत्र जो है अपने अपराध करने का वो पूरा विश्व हो सकता है तो इसलिए जो जोग्राफिकल जो या भौतिक एन सीमाएँ हैं वो इसमें लागू नहीं होती तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जांच और रोकथाम की जाती है आ, बाकी जो विश्व के सारे देश हैं उनमें आपस में कोऑपरेशन सहयोग बहुत आवश्यक है आपने देखा होगा आपके जितने भी आ, चेक होते हैं उनमें जो है चेक ट्रंकेशन सिस्टम सी टी एस टू थाउजेंड टेन लिखा हुआ होता है आपके जो चेक देखिएगा कभी आपके पास बैंक अकाउंट का चेक होगा उसमें सी टी एस टू थाउजेंड टेन लिखा होता है इसका मतलब क्या है ये एक चेक ट्रंकेशन सिस्टम है जो 2010 में लागू किया गया था स्टैंडर्ड बनाया गया था धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होता गया और अब जो है पहले ज़माने में आपने किसी व्यक्ति को चेक लिख के दिया तो वो चेक वो व्यक्ति अपने बैंक में डालता था वो बैंक जो है उसको चेक को डाक के द्वारा क्लियरिंग हाउस में भेजता था अगर वो दूसरे शहर का चेक है तो फिर वो डाक के द्वारा दूसरे शहर जाता था ये सब अब ख़त्म हो गया समाप्त हो गया है अब क्या होता है आप चेक की एक फोटो स्कैन कर लेते हैं फोटो खींच लेते हैं और उसको जो है आपका बैंक दूसरे बैंक को भेज देता है और इसके आधार पर सेटलमेंट हो जाता है तो लोग जो साइबर अपराधी हैं वो चेक की नकली इमेज बना दे देते हैं नकली तस्वीर बना देते हैं और उससे जो है भुनाने की कोशिश करते हैं तो जैसे मैंने आपसे डेटा चोरी की बात की डेटा चोरी पहचान चोरी इस पर आधारित है डेटा चोरी जो है धोखाधड़ी से इसका लिंक है सो uh, so, ये कुछ और किस किस तरह की धोखाधड़ियाँ हो रही हैं उनकी क्या रोकथाम है क्या जांच है समय समय पे आरबीआई यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों को आगाह करता रहता है ग्राहकों को आगाह करता रहता है आप सब लोगों ने टी वी रेडियो पर अमिताभ बच्चन जी क्योंकि बड़े सेलिब्रिटी हैं उनकी आवाज़ में एडवर्टिजमेंट सुने होंगे देखे होंगे नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ रहा आ, अपने बैंक जानकारी साझा मत करिए ऐसे करके इस तरह से आपने ये सुने होंगे होंगे देखे हुंगे। ये कुछ आ, कदम है जो उठाए जा रहे हैं सबसे पहले फ्रेंड्स हम साइबर स्पेस की बात करेंगे जो हमने अपने विषय देखे उसमें सबसे पहला जो विषय वस्तु में था वो है साइबर स्पेस के बारे में आपको कुछ और अधिक जानकारी देना ये साइबर स्पेस होता क्या है जो हमने विषय वस्तु पढ़ी ये साइबर स्पेस और so, साइबर स्पेस क्या है विभिन्न कंप्यूटरों का एक मकड़ जाल एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से संपर्क में है और वहाँ से डेटा कंप्यूटर को भेज रहा है अब कंप्यूटर जो है ये जो भाषा समझते हैं ये भाषा समझते हैं ज़ीरो और वन की भाषा हम जो है इस तरह से अपने जो वेबसाइट एड्रेस हैं हम तो इस तरह से नहीं समझते हम उनको समझते हैं हम टाइप करते हैं एम टी एन एल डॉट नेट डॉट इन और कंप्यूटर uh, इसको नहीं समझता तो कंप्यूटर क्या करता है इसको करता है. ये एम टी एन एल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो भारत सरकार की कंपनी है उसका यह वेबसाइट एड्रेस है वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन डॉट वन अब जो है हमारे लिए तो ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है बट कंप्यूटर इसको ऐसे ही समझता है और कंप्यूटर इसको कैसे दूसरे कंप्यूटर को बताता है वन को तो वन लिखेगा नाइन को कैसे लिखेगा नौ बार वन लिखेगा सो इस तरह से उसको समझता है नौ बार इसको वन लिखेगा और फिर जो है टू को दो बार वन लिखेगा एंड वन को फिर लिखेगा फिर सिक्स को जो है छः बार वन लिखेगा सो इस तरह से जो है कंप्यूटर एक दूसरे से संपर्क में होते हैं जीरो और वन की भाषा से इनको बिट्स एंड बाइट्स कहते हैं साइबर uh, स्पेस ये जो शब्द है ये पहली बार एक कैनेडियन अमेरिकन लेखक थे उनका नाम था विलियन गिब्सन और उन्होंने जो है ये 1982 में यानी कि आज से तिरतालीस बयालीस वर्ष पहले ये ओमनी पत्रिका थी आ, अमेरिका में उसमें एक कहानी में ये इसका उल्लेख किया और उसके बाद अपनी पुस्तक न्यूरोमैंसर में इसका उल्लेख किया आ, ये शब्द साइबर स्पेस और उसके बाद से ये प्रचलन में आ गया नब्बे के दशक में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग डिजिटल संचार कई गुना बढ़ने लगा आ, ना केवल अमेरिका में पाश्चात्य देशों में बल्कि भारत जैसे देशों में भी इंटरनेट का नब्बे के दशक में आगमन प्रारंभ हो चुका था आ, फिर जो है अब साइबर स्पेस के माध्यम से आप कई सारे विचार कई सारे घटनाओं पे अपना दृष्टिकोण एक दूसरे तक पहुंचाने में आप सक्षम हो जाते हैं इंटरनेट का विकास करने में जो है कई सारे डिजिटल वातावरण का निर्माण हो गया अभी आप, आप देखिए कोई भी न्यूज़ होती है वो आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ लेते हैं देख लेते हैं क्रिकेट मैच हो रहा है वो आप इंटरनेट के माध्यम से देख लेते हैं आ, जो है कल मेरे विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुई तो वो पूरे विश्व में लोग बैठ के उसको देख रहे थे यूट्यूब के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट इंटरनेट के माध्यम से साइबर स्पेस में सो um, so, एक सामाजिक सोशल एक्सपीरियंस सामाजिक अनुभव के रूप में देखिए व्यक्तिगत बातचीत कर, कर सकते हैं आप वन ऑन वन बातचीत कर सकते हैं आप लोग चैट साइट्स चैट रूम्स में गए होंगे विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं लिखित में बात कर सकते हैं ओरल में बात कर सकते हैं जूम आपने देखा होगा गूगल मीट देखा होगा कोविड के दौरान आप सभी लोगों ने इस तरह की चीज़ें देखी होंगी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जानकारी साझा कर सकते हैं सामाजिक समर्थन आप मान लीजिए इन्वायरमेंट बचाने का कोई मुहिम चलाना चाहते हैं तो पहले आपको घर घर जाके लोगों को इसके बारे में बताना पड़ता था अब आप इंटरनेट के माध्यम से से बता भी सकते हैं उसमें समर्थन प्राप्त कर सकते हैं आपको व्यक्तिगत रूप से किसी से जाके सिग्नेचर लेने की आवश्यकता नहीं है आप अपना बिजनेस कर सकते हैं ई कॉमर्स जिसे हम कहते हैं आप प्रत्यक्ष कार्य कर सकते हैं ये जो मैं आपके समक्ष लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूं ये आपके पास कैसे आ रहा है ये आपके पास साइबर स्पेस के माध्यम से ही आ रहा है डी चैनल के थ्रू दो बहुत प्रख्यात जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आई एक आया कंप्यूटर और एक आया दूरसंचार प्रणाली जो टेलीकॉम और जो कंप्यूटर साइंस मिलके जो नब्बे के दशक में एक नई चीज़ बन गई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी सो आईटी में साइबर स्पेस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है मित्रों तो कई बार जो है ये एक शब्द है जैसे एस्ट्रोनॉट आपने सुना होगा जो स्पेस में जाने वाले व्यक्ति होते हैं वैसे ही जो है हम साइबर स्पेस के जो उपभोग उपभोग करने वाले लोग हैं जो करता हैं उनको हम साइबर नॉट्स के रूप में भी उनको हम संबोधित करते हैं कि ये साइबर नॉट है अब देखिए जहाँ एक नया मीडियम मिला आपको अपराध करने का तो साइबर स्पेस में अपराध करने वाले व्यक्ति को हम साइबर अपराधी कहते हैं और ऐसे अपराधों को हम साइबर अपराध कहते हैं अब बात यह आती है कि क्या ये किसी तरह के नए अपराध हैं या ये वही अपराध हैं इनको करने का तरीका बदल गया देखिए विभिन्न जो स्कॉलर हैं जो शिक्षाविद हैं जो नीतिविद हैं इनका इस विषय में राय थोड़ी सी बटी हुई है आ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये नए तरह के अपराध हैं और कुछ लोग आपको बताएंगे देखिए अपराध तो वही है बट उसको करने का तरीका बदल गया है आम, सो मसलन जो है पहले आपको किसी की जेब से पैसे निकालने होते थे अब आप जो है उसके बैंक अकाउंट में सेंध लगा के उसके पैसे निकाल सकते हैं तो पैसा निकालना तो उद्देश्य आपका पहले भी था और आज भी है पैसे निकालने का तरीका बदल गया है तो जो लोग ये मानते हैं कि साइबर स्पेस में अपराध करने का तरीका बदल गया है अपराध वही है वो ये उदाहरण देंगे और कुछ नए उदाहरण कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये तो बिल्कुल नया अपराध है बिकॉज ये आपको जो है साइबर स्पेस में जाकर किसी की जेब से पैसे निकालना ये एक अलग क्राइम है जो पहले नहीं होता था एक अलग तरह का अपराध है तो मैं इस विषय में हम थोड़ी सी आगे आने वाले लेक्चरों में इस कोर्स में बात करेंगे बट सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ छल यानी कि फ्रॉड का उपयोग हो रहा है आपने धोखा किया है किसी के साथ और धोखा आप क्यों कर रहे हैं कि धन प्राप्त करना चाहते हैं आप किसी के जैसे मैंने कहा किसी की जेब से आप पैसा निकालना चाहते हैं किसी की मेहनत की कमाई को आप लेना चाहते हैं ये अवैध है अनैतिक है और बेईमानी भरा है मतलब ये डिसऑनेस्ट है ये इलीगल है और ये इमोरल है इसमें किसी भी तरह का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है देखिए मित्रों कई बार क्या होता है कि कुछ लोग छोटे मोटे साइबर अपराध जैसे कि वेबसाइट हैकिंग वगैरह कर लेते हैं उनको और वो कहते हैं नहीं हमारा तो कुछ बुरा इंटेंशन नहीं था कुछ बुरा मकसद नहीं था आगे हम बात करेंगे एक्टिस रिया और मेन्सरिया की जो आपने क्रिमिनल लॉ में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं आम, अब वो कहते हैं हमारा कोई गलत इरादा नहीं था हम तो बस जो है उसको विद्वत्ता दिखाना चाहते हैं प्रदर्शित करना चाहते हैं कि देखिए हमें वेबसाइट को हैक करना आता है हम अपनी जो है उसमें अपनी विद्वत्ता विद्वान अपना दिखाना चाहते हैं आम, सो उसके बारे में भी बात करेंगे क्या हैकिंग या क्या इस तरह के अपराध साइबर अपराध की श्रेणी में आते भी हैं या नहीं जो साइबर अपराध करने वाला है वो व्यक्ति भी हो सकता है वो एक संगठन भी हो सकता है वो एक से ज्यादा व्यक्ति मिलकर साथ में भी काम कर रहे हो सकते हैं वित्तीय संस्थाओं यानी कि बैंक या जनता का धन आ, या जनता के हाथ में जो 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 जो, जो प्रॉपर्टी है आस्तियाँ हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो अन्य संपत्तियां हैं उसको प्राप्त करना इनका उद्देश्य होता है साइबर क्रिमिनल्स का और फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ सकते हैं कि हम जो है बैंक के बिहाफ पे आपको कॉल कर रहे हैं आ, आ, ये आपका क्रेडिट कार्ड फलाना फलाना दिन पर एक्सपायर हो रहा है आप जो है प्लीज़ इसको हमें चार डिजिट का पिन नंबर बता दीजिए आप आपको नया क्रेडिट कार्ड हम इशू कर देंगे या आ, बैंक के बिहाफ़ पे आपको कॉल करने का या क्रेडिट कार्ड कंपनी पे कॉल करने का आपको सुनियोजित षड्यंत्र हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल निजी जानकारी को साझा करें आजकल बहुत सारे लोगों को इस तरह के कॉल आते हैं कि आपका बिजली का बिल इतना बकाया है इस नंबर पर कॉल करिए जैसे ही आप करेंगे आपके साथ कोई साइबर धोखाधड़ी हो जाएगी या आपके पास इस तरह के कॉल आएंगे कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ मैं पुलिस से बोल रहा हूँ मैं जो है कमर्शियल टैक्स रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ या मैं जो है कस्टम्स से बोल रहा हूँ आपका एक कंसाइनमेंट आया है उसमें इतने उसमें से इतने पैसे दे के उसको छुड़वा लीजिए फिर बोलेंगे उसमें ड्रग्स निकल आई तो ये इस सब चीज़ों में आप बिल्कुल मत पड़िए एक चीज़ आप समझ लीजिए सरकार कभी किसी को फ़ोन नहीं करती आपको कोई भी सरकारी विभाग लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा कभी भी, भी हाँ अगर आपने मान लीजिए रेड लाइट जंप की है आ, या कुछ ट्रैफिक का चलान है वो आपको एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा कोई आपको आके नहीं बोलेगा कि भर दीजिए चलान तो आपने भरना है भरिए नहीं तो उनका अपना तरीका होता निपटने का मैंने पैंतालीस साल के अपने जीवन में कभी भी इस तरह का अनुभव नहीं किया कि सरकार कॉल कर रही है केवल एक ही समय कोविड में जरूर फ़ोन करके पूछा था स्वास्थ्य विभाग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने कि आपको कोविड हुआ आपके घर में किसी को हुआ आप ठीक हैं अन्यथा सरकार कभी किसी को फ़ोन नहीं करती ये हमेशा समझ लीजिए बैंक भी किसी को कभी फ़ोन नहीं करते अगर बैंक फ़ोन कर रहे होते तो लोग बैंक क्यों जाते बैंकों के कॉल सेंटर पर क्यों फ़ोन करते हैं तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बैंक आपको फ़ोन कर रहा है अपने बैंक की वेबसाइट पर जाइए वहां से कॉल सेंटर का नंबर लीजिए और वहां फ़ोन करिए तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ अगर आप धोखाधड़ी करेंगे तो आपको ज़्यादा जनता का धन मिल जाएगा अगर आपने आ, अमुक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की तो शायद आपको उसके बैंक अकाउंट में पड़े हुए दस हज़ार पाँच हज़ार एक लाख पाँच लाख रुपए प्राप्त हो सकते हैं बट अगर वो आपने जो है किसी बैंक में ही सेंधमारी कर ली तो पाँच करोड़ भी मिल सकते हैं पचास करोड़ भी मिल सकते हैं पाँच करोड़ या पाँच करोड़ भी मिल सकते हैं इसलिए बैंक या फाइनेंशियल सर्विस एजेंसीज जैसे एल हो गई आई हो गई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन पे जो सेंधमार होते हैं जो साइबर अपराधी होते हैं उनकी निगाह हमेशा अधिक रहती है मित्रों बैंक जो है हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यक हिस्सा है जनता के पैसे उनके पास होते हैं जनता का विश्वास उनके पास होता है आजकल लोग जैसे पुराने समय में होता है कि वो बिस्तर के नीचे तिजोरी में पैसा नहीं रखते हैं या आटे के कनस्तर में पैसा नहीं रखते हैं अब जनता जो है बैंकों में उनका विश्वास है आ, कि भाई पैसा हमारा सुरक्षित रहेगा तो ऐसे में अगर बैंकों के साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो जनता के विश्वास को असर पड़ता है और बैंक जो है अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी की बैकबोन रीढ़ की हड्डी है तो ये चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है प्राथमिक जिम्मेदारी जो इनिशियल रिस्पांसिबिलिटी है साइबर अपराधों को रोकने की वो स्वयं बैंकों की ही होती है अगर वो बैंक किसी कारणवश नहीं निभा पा रहे हैं तो वो आर फिर उसमें आएगा समय समय पर आर जो है जहां जहाँ अपराध हो रहे हैं जिन जिन क्षेत्रों में अपराध हो रहे हैं वो बैंकों को इसके बारे में आगाह करता है सूचित करता है बताता रहता है मित्रों बैंकिंग प्रणाली पर जो है हम साइबर अपराध का अगर देखें तो क्या क्या होता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बैंक जो है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है रीढ़ की हड्डी पे अगर कोई अटैक होता है तो पूरी बॉडी पे ही उसका असर देखने को मिलता है आ, जनता का जो विश्वास है वो कम होता है साइबर अपराधी शायद ऐसा ही कुछ चाहते हैं बैंकों की जो लाभप्रदता है प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें असर पड़ेगा अगर बैंक के फंड्स को कोई साइबर सेंधमार जो है चंपत हो जाए उसको लेके बैंकों का जो पूंजी का आधार है जो कैपिटल बेस है उसमें कमी आ जाती है आ, Uh, कई बार ऐसा अगर हो, होगा तो ये बैंकों की कर्मचारियों की नौकरी भी जा सकती है uh, बैंकों की वायबिलिटी बैंक बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं कुछ देशों में uh, कई बैंक केवल साइबर अपराधों को लेकर अभी भारत में गत दिनों uh, uh, एक uh, काफी बड़ा इंसिडेंट यूको बैंक के साथ हुआ जिसके कारण जो यूको बैंक की आई प्रणाली है वो आज तक ठप पड़ी है आज तक उसको बंद कर दिया गया है इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम आई एस सो बैंक की वायबिलिटी तक सवाल के घेरे में आ जाती है पूर्व में हम देख चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक और कई सारे बैंकों के साथ आ, जो है दिक्कतें आ चुकी हैं आ, अर्थव्यवस्था पे इकोनॉमी पे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वित्तीय स्थिरता है उसको नुकसान होता है सबसे बड़ी बात हमारी जो आर्थिक संप्रभुता है देखिए आज की डेट में आज के समय में आज के युग में कोई भी देश पोलिटिकली सॉवरिन uh, नहीं है ऐसा नहीं देखने को मिलेगा सारे जो देश हैं वो पोलिटिकली सॉवरिन हैं वो राजनीतिक रूप से संप्रभुता उनके पास है वो कॉलोनियलिज़्म जो जैसे पहले होता था जैसे कि भारत पे अंग्रेज़ों का शासन था बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों पे अंग्रेज़ों का शासन था कई देश जो हैं अफ्रीका में वो फ्रांसीसीयों का पुर्तगालियों का स्पेनिश व्यक्तियों का रहा करता था यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक पे सत्रह पे 1870 तक ऑस्ट्रेलिया पे आ, 1900 तक ब्रिटेन का ही या इंग्लैंड का ही शासन रहा है तो अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा तो नहीं है आ, राजनीतिक रूप से पॉलिटिकल रूप से सभी देश जो हैं कुछ छोटे मोटे आइलैंड्स को छोड़ के आ, जो वो सभी जो हैं संप्रभुता के पास है पॉलिटिकल रूप से बट आर्थिक संप्रभुता यानी कि इकोनॉमिक सोवरेनिटी उस पर नुकसान होगा और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी आज के युग में बहुत आवश्यक है आप लोगों ने सभी ने देखा है कि श्रीलंका में विगत दिनों में क्या हुआ उनकी जो है करेंसी उनके जो है देश में क्या हुआ सो so, इस तरह की चीज़ भी हो सकती है अगर साइबर अपराध बैंकों में कुछ अधिक मात्रा में हो गए मित्रों मैंने आपसे कहा था कि आधुनिक बैंकिंग में पासवर्ड बहुत जरूरी हो गया है देखिए ये मेरा सिग्नेचर है कृपया करके इसका गलत प्रयोग ना करें इसलिए मैंने मिटा दिया ये सिग्नेचर जो है ये बहुत आवश्यक चीज है आप कभी भी चेक साइन करते हैं कोई भी कागज साइन करते हैं उस चेक को उस कागज को लीगल अमली जामा ये सिग्नेचर पहनाता पे, है पहुंचाता है बट uh, वर्तमान युग में तो हम चेक साइन ही नहीं करते हम कागज़ साइन ही नहीं करते सब कुछ हमारे पास ईमेल से आ जाती है पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाती है सबकी सभी चीज़ों के लिए हम बैंक तो जाते ही नहीं हैं हम बस ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग एसएमएस बैंकिंग ऐप पे बैंकिंग इस तरह की चीज़ें करते हैं तो इसलिए मित्रों आपका चाहे ऐप आप का पासवर्ड हो चाहे आपका बैंक अकाउंट का पासवर्ड हो बहुत ही सीक्रेट रखें उसको वो आपकी जो है एक हस्ताक्षर के समान है एक कुंजी के समान है कुंजी मतलब चाबी देखिए मित्रों आ, आप लोगों में से आ, कई लोगों ने कभी बैंक लॉकर देखा होगा खासतौर पर महिलाओं ने महिलाएं जो है बैंक लॉकर का प्रयोग अधिक करती हैं कभी शादी में जाना हुआ तो गहने निकाल लिए शादी से आ गए तो गहने वापस रख दिए इस तरह की चीज़ों के लिए आप लोगों ने भी घरों में माताओं के साथ बहनों के साथ पत्नियों के साथ इस तरह की चीज़ें देखी होंगी अगर खुद का आपका बैंक लॉकर नहीं है पुरुषों का आमतौर पर बैंक लॉकर नहीं होता है बट जो आप बैंक लॉकर का प्रयोग कैसे करते हैं आप जाते हैं आपके पास एक चाबी होती है ना आप उस लॉकर को अकेले खोल सकते हैं ना बैंक मैनेजर बैंक का स्टाफ उस लॉकर को अकेले खोल सकता है आप अपनी चाबी लगाते हैं स्लॉट में और बैंक मैनेजर आके अपनी चाबी लगाते हैं स्लॉट में उसके बाद बैंक मैनेजर कमरे से बाहर चले जाते हैं पर्दा खींच देते हैं फिर उसके बाद जो है दोनों चाबी जब लगी हुई होंगी तभी वो ताला खुलेगा इसका मतलब ना तो बैंक मैनेजर आपके पीठ पीछे खोल सकते हैं ना आप बैंक मैनेजर के पीछे पीठ पीछे खोल सकते हैं और वो उस लॉकर वाले कक्ष में जाने से पहले आपको ये देख सुनियोजित करना होता है कि कोई और व्यक्ति वहाँ नहीं है और आपको रजिस्टर में एंट्री करनी होती है कि आप फलाना फलाना तारीख पे फलाना फलाना बजे आए और आपने लॉकर को ऑपरेट किया अब ये दोनों चाबियाँ एक साथ लगाने का क्या तात्पर्य है तो वही सिस्टम कि भाई आप भी अकेले नहीं कर सकते और वो भी अकेले नहीं कर सकते वही सिस्टम हमारा इंटरनेट में बैंकिंग को लेके आधारित है इसको हम कहते हैं पब्लिक की पब्लिक की और प्राइवेट की आर्किटेक्चर हम इसको कहते हैं पब्लिक uh, की जो है जो सभी व्यक्तियों के पास होती है और जो प्राइवेट की है वो केवल वेबसाइट मैनेजर के पास होती है तो so, आप लोगों ने अपना आधार कार्ड डाउनलोड किया होगा uh, आधार आईडी से वहाँ पे एक पीले रंग का क्वेश्चन मार्क आ जाता है राइट right कॉर्नर में इसका मतलब है ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है अब आप जो है अपना पासवर्ड डाल देते हैं जो भी पासवर्ड है फिर वो ये येलो कलर का क्वेश्चन मार्क ना होकर एक ग्रीन कलर का टिक आ जाता है इसका मतलब ये ऑथेंटिकेट हो गया है यही प्रणाली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट्स को लेके है आप जब उनको वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं वो कह वो तभी आपका ग्रीन टिक आएगा जब पब्लिक की और प्राइवेट की मैच कर गए हैं सो so वही इसमें जो 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 जो, जो बैंक के पासवर्ड हैं उसमें भी एग्जैक्टली exactly वही सिस्टम लगाया जाता है पब्लिक की प्राइवेट की आर्किटेक्चर के बारे में हम विस्तार से अगले लेक्चरों में पढ़ेंगे बट पब्लिक की जो है और प्राइवेट की जो है वो आ, जो है जो, जो जो आपका जो पासवर्ड है और जो बैंक के रिकॉर्ड्स में पासवर्ड है वो मैच होना चाहिए तभी ये आगे चल पाएगा अच्छा उसके आगे अगली चीज जो है वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है यानी कि आपने जब ये कर दिया आपने पासवर्ड सही डाल दिया गलत पासवर्ड डाल दिया तो आगे गाड़ी बढ़ेगी नहीं आ, और बार बार गलत डालेंगे तो लॉक हो जाएगा तो तीन बार या पांच बार जो भी आपके बैंक की सेटिंग है गलत लॉक हो जाएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आपने ये किया तो उसके बाद आपको एस एम एस ई मेल ऐप पर जानकारी आएगी आप उसको प्रमाणित करेंगे ओ टी पी डाल के और फिर आगे बढ़ेंगे सो so, मित्रों एक तो अपना कभी भी जो है पासवर्ड किसी को बताइए मत दूसरा पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड कई लोगों की आदत होती है वो फ़ोन में ही अपना फ़ोन का जो कवर होता है उसी में रख लेते हैं क्रेडिट कार्ड और वहीं पे पासवर्ड लिख के रखते हैं देखिए तिजोरी और चाबी कभी साथ में मत रखिए ये काम जो आप कर रहे हैं ये मत करिए हमेशा समय समय पर अपना पासवर्ड बदलिए जब भी वो आपको प्रॉम्प्ट करते हैं पासवर्ड बदलने को कृपया बदलिए पासवर्ड ऐसा बनाइए जो याद करने में मुश्किल हो आसान ऑब्वियस सी चीज जैसे आपका जन्मदिन आपका नाम इस तरह की चीजें ना डालें कुछ भी अपने अपने जो भी बैंक स्टेटमेंट्स हैं क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स हैं वित्तीय लेखा जोखा है उसको बड़े ध्यान से पढ़िए चाहे आप प्रिंटआउट लेके पढ़िए चाहे आपको पास स्टेटमेंट पोस्ट से आता है चाहे आप जो है स्टेटमेंट ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बड़े ध्यान से पढ़िए उसको कि कुछ भी संदिग्ध नहीं होना चाहिए और ज़रा सा भी कुछ अगर संदिग्ध है मित्रों तो जो है इसको तुरंत बैंक या जो आपकी जो पुलिस अथॉरिटीज़ है उनको आप इसकी इसकी सूचना दीजिए और जो लॉ इन्फोर्समेंट है कानून प्रवर्तन है पुलिस है उनको इसकी सूचना दीजिए कभी कभी जो अज्ञात स्रोतों को अपने जो जो अननोन सोर्सेज हैं अज्ञात स्रोत हैं उनको जो है पासवर्ड या बचत खाते की या किसी भी खाते की जानकारी ना दें भले ही वो कितने भी बरे से मंद क्यों ना दिखाई दे कई बार लोग बहुत ज़्यादा भरोसेमंद देखिए ये इसका जो 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 साइबर अपराधी है वो यही करता है वो आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर आपको अपने चंगुल में फंसाना चाहता है Uh, कभी भी अपना सिड नंबर जो होता है जो आपके क्रेडिट कार्ड के पीछे लिखा होता है कार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं इसको सिड नंबर सिड नंबर कभी भी किसी व्यक्ति को ना दें कई बैंकों में ये चार अंकों का होता है कई बैंकों में तीन अंकों का होता है मसलन अमेरिकन एक्सप्रेस में आपको चार अंकों का मिलेगा वीजा वीज़ा में या मास्टर में तीन अंकों का मिलेगा कभी भी किसी को ना बताएं जो भी कोई कहता है मैं किसी वित्तीय संस्थान से हूँ इसको बिल्कुल ना बताएं क्योंकि ये आ, आ, ट्रांजेक्शन को ऑथेंटिकेट करने के लिए होता है uh, कभी कभी जो आपको लिंक आ जाता है ईमेल से या एस एम एस से कहते हैं इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए इस पर कभी मत क्लिक करिए हमेशा जो है अपने बैंक में जाइए इंटरनेट बैंकिंग में जाइए ब्राउज़र की विंडो में जाइए और वेबसाइट का पता जो वेबसाइट का एड्रेस है उसको टाइप करिए ये शॉर्टकट कर अप्रोच मत लीजिए हो सकता है किसी दिन इसका आ, बहुत गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ जाए और वैसे भी अगर कोई कहता है कि मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ और आपको ज़रा सा भी शक होता है तो आप वो फॉल कट करके Uh, बैंक में फ़ोन करके पूछिए कॉल सेंटर में फ़ोन करके पूछिए कि क्या ऐसा कुछ है माजरा uh, यदि आपका फ़ोन कभी खो जाता है चोरी हो जाता है तुरंत अपने मोबाइल बैंकिंग को निष्क्रिय कर दीजिए डीएक्टिवेट कर दीजिए और फिर पूरी जानकारी अपनी देख लीजिए सब ठीक है फिर मोबाइल बैंकिंग को पुनः पुनर्जीवित कर लीजिए रीएक्टिवेट कर लीजिए Uh, मित्रों इसके बाद हम बात करेंगे फिशिंग और स्पेयर फिशिंग जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया जब मैं टॉपिक्स uh, को इंट्रोड्यूस कर रहा था uh, ये जैसे इसका नाम uh, जैसे ये इसको इंग्लिश में हम ऐसे लिखते हैं पी एच आई एस एच आई एन जी ये फिशिंग है ये वाली फिशिंग और जो मछली पकड़ने वाला है उसको हम लिखते हैं ये अब ये क्योंकि ये उसी तरह की चीज़ है बट काम अलग है तो इसलिए इसकी एक स्पेलिंग अलग बना दी जब इस शब्द का निर्माण किया जा रहा था तो जिस तरह से मछुआरा लालच देके मछली पकड़ता है ठीक उसी तरह आ, ये जो चोर हैं ये साइबर अपराधी हैं ये लालच देके के करके जो है मछली यानी कि आपको यानी कि आपके बैंक अकाउंट यानी कि आपकी पर्सनल जानकारी को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करता है आ, किसी भी लोकप्रिय वेबसाइट किसी भी बैंक किसी भी ज्ञात संस्थान से हो सकता है आपको कोई ईमेल आए और वो ईमेल बड़ा भरोसेमंद लगता हो तो कृपया करके उस ईमेल को ना क्लिक करें हो सकता है आपको कुछ आए कि आपका कोई मित्र है आ, मान लीजिए आपके मित्र का नाम है आशीष और वो जो है आ, आपको ईमेल आए कि आशीष जो है लंदन में हैं और उनको बहुत आर्थिक तकलीफ़ हो गई है बीमार पड़ गए हैं उनको पैसे की आवश्यकता है तो कृपया करके इतने हज़ार पाउंड या इतने हज़ार रुपए भेज दीजिए दी आशीष को तो ऐसे केसेस में आप कृपया आशीष को फ़ोन कर लीजिए और आशीष कहेंगे मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है लंदन तो क्या मैंने तो लुधियाना भी नहीं देखा तो मेरे कहने की बात यह है कि इस बातों पे यकीन ना कीजिए थोड़ी सी अपनी जानकारी चेक कर लीजिए करने से पहले आ, बैंक कभी 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 भी किसी भी सूरत में गोपनीय डेटा जो पर्सनल डेटा है जैसे कि लॉग इन पासवर्ड ट्रांजैक्शन पासवर्ड ओ ये कभी नहीं मांगेंगे आपसे ये जो है बैंक मांगेंगे ही नहीं कोई ऐसा तो अगर कोई व्यक्ति बैंक की तरफ से दावा करता है कि मुझे आप ये दे दीजिए तो बिल्कुल मत दीजिएगा आ, मित्रों मैंने आपको पहले फ़िशिंग के बारे में बताया और अब मैं आपको स्पेयर फिशिंग के बारे में बताऊंगा ये फिशिंग का ही एक सब टाइप है जहाँ पे सुनियोजित ढंग से एक पर्टिकुलर किस्म का डेटा या एक पर्टिकुलर व्यक्ति का डेटा इनको प्राप्त करना होता है चोरों को आ, इसको हम लक्षित फिशिंग यानी कि टारगेटेड फिशिंग कहते हैं लक्षित टारगेटेड जैसे मान लीजिए आपको बाक़ी मछलियों में इंटरेस्ट नहीं है आपको केवल रोहू खानी है या आपको केवल कतला कतला खानी है या आपको केवल सुरमाई खानी है तो अक्सर ऐसा होता है कि ये जो व्यक्ति है आपकी कंपनी का कोई हो आपके उसके ही कोई नाम का कोई व्यक्ति हो आ, आ, ऐसा लग रहा है कि आपके किसी वरिष्ठ सहयोगी ने आपको मेल किया है आपके किसी रिश्तेदार ने मेल किया है अगेन उनका नाम लेके ये किया जा रहा है उन्होंने नहीं किया है उनको तो पता भी नहीं ऐसा हो रहा है विषय पंक्ति जो है सब्जेक्ट फील्ड जो है वो पर्सनलाइज रहती है वो जो है अनुकूलित रहती है व्यक्तिकृत रहती है और उसमें जो है आपके जो अभी के प्रोजेक्ट्स हैं वर्तमान परियोजनाएं हैं आपके जो अभी के जो कार्यक्रम हैं मान लीजिए आप शादी में गए कानपुर तो उसमें शायद लिखा हुआ आ जाए सब्जेक्ट फील्ड में वेडिंग एट कानपुर या वेडिंग पिक्स कानपुर फेब्रवरी ट्वेंटी और मान लीजिए आप कानपुर वास्तव में चौबीस पच्चीस के आसपास गए थे चोर को कैसे पता चला क्योंकि चोर ने आपका टिकट देख लिया आपके ईमेल पे पर तो आ, कानपुर पिक्स फेबर ट्वेंटी फोर कर करके अगर हेडिंग लाइन आ गई और आपने उसको खोल लिया तो वो आपका डेटा चोरी करेगा जैसे ही आपने ई खोला लिंक पर क्लिक किया आपका डेटा ट्रोजन या मेलवेयर डाउनलोड हो जाएगा स्क्रीन पर एक फॉर्म दिखाई देगा आपका डेटा जो है चोरी होने की प्रबल संभावना रहती है मित्रों ऐसे ही हम बात करते हैं स्पूफिंग और विशिंग की एक ऐसा माध्यम है एक ऐसी तकनीक है जब साइबर अपराधी खुद को एक ज्ञात खुद को एक विश्वसनीय सूत्र बताता है एक विश्वसनीय स्रोत बताता है इस तरह से प्रस्तुत करता है कि आपका उसके प्रति विश्वास होने लगे आ, ये कई रूप ले सकता है नकली ईमेल आईपी स्पूफिंग डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सर्वर्स स्पूफिंग, जीपीएस स्पूफिंग, वेबसाइट स्पूफिंग वेबसाइट्स और नकली फोन कॉल एक एक करके हम इन सभी चीज़ों की थोड़ी सी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं मित्रों आ, ये कुछ प्रबल तरीके हैं जो मैंने छः बताए आ, नकली ईमेल मतलब जो ईमेल भेजा जा रहा है विश्वास पात्र बनकर वो जो भेज रहा है वो बिल्कुल ही नॉन एस्ट है मतलब वो उस व्यक्ति से इसका कोई लेना देना ही नहीं है आ, आईपी uh, एड्रेस की स्पूफिंग मान लीजिए आईपी एड्रेस को देख के ऐसा लगता है कि यार ये तो वेबसाइट जो है आ, आ, ये 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 सर्वर जो है शायद भारत में स्थित है बट वो सर्वर कनाडा में होगा उसकी लोकेशन बता रहे हैं भारत डी uh, एन एस यानी कि डोमेन नेम सर्वर की स्पूफिंग हो सकती है uh, जो आपका जो, जो जो जैसे आपका जो जिस डोमेन से आ रहा है वही गलत बता रहे हूँ uh, आपका विश्वास पात्र करने के लिए प्राप्त करने के लिए जी पी एस की स्पूफिंग आप मान लीजिए कानपुर में बैठे हैं बट आपके जी पी एस बता रहा है कि आप तो शायद दो सौ किलोमीटर दूर प्रयागराज में बैठे हों और वेबसाइट की स्पूफिंग वेबसाइट नकली बना दी जाती हैं मिरर वेबसाइट्स बना दी जाती हैं आईसीआईसीआई बैंक का उदाहरण ले लीजिए मान लीजिए किसी ने उसी बैंक का कुछ और वेबसाइट बना दी थोड़ा सा मिलता जुलता एड्रेस आईसीआईसीआई की जगह आईसीआईसी डबल आई लगा दिया तो आ, आ, न, आपको देखने में नहीं समझ में आएगा देखिए आए, आई सीआई uh, आई इस तरह से है मान लीजिए एक और आई लगा दी आपको तो देखने में समझ में भी नहीं आएगा अनले साहब बहुत ज्यादा बारीकी से देखें और हम लोग आमतौर पर इतनी बारीकी से नहीं देखते हैं मित्रों नकली फ़ोन कॉल्स आते हैं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है आप लोगों ने ओ पे जमताड़ा और इस तरह के कुछ सीरियल्स देखे होंगे कभी कुछ आपने सुना होगा जो फ़ोन कॉल्स होते हैं ये वॉइस के माध्यम से किसी की आवाज़ को इमिटेट करके किसी को धोखाधड़ी से उससे धन की उगाही करने के उद्देश्य से किए जाते हैं और और इनका उद्देश्य होता है अपराधी का कि जो विक्टिम है जो पीड़ित व्यक्ति है उसके जो डिवाइसेस हैं उसका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके जो डिवाइसेस हैं चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो चाहे टैबलेट हो चाहे कंप्यूटर हो वहाँ तक पहुँचना और जो भी आगे कार्रवाई करनी उसका डेटा चुराना उसका बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन चुराना जो भी है अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है जानकारी चुराना पैसे ऐठना मेलवेयर छोड़ना हानिकारक सॉफ्टवेयर स्थापित करना कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दैट इसका पर्पस जो है आपको एम्बेरेस करना हो आपकी छवि खराब करना हो सो so, आपकी जानकारी चुराना आपसे पैसे ऐटना आपसे कुछ आपके सिस्टम को ख़राब करना मेलवेयर सॉफ्टवेयर वायरस डाल के आ, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपके सिस्टम पे आधिपत्य जमा लेना कंट्रोल कर लेना और ऐसा भी हो सकता है कुछ मामलों में मित्रों आपकी छवि को खराब करना जैसे जो अमेरिका के राष्ट्रपति जी हैं उनका जो मोबाइल फ़ोन है वो और जो हमारी नीता अम्बानी मैडम है आ, इनका जो मोबाइल फ़ोन है कहा जाता है कि अनहैकेबल है मतलब हैक हो ही नहीं सकता ये इस तरह की कड़ी सुरक्षा होती है क्योंकि इनके पास बहुत सारा संवेदनशील डेटा होता है या कोई व्यक्ति इनकी छवि खराब करना चाह रहा हो आ, ये एक बहुत अगर हम देखें कि जो 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 बहुत ही सरल स्पूफिंग की तकनीक है वो ये है कि जो फ्रॉम फील्ड है जो जिससे ईमेल आया है जो प्रेषक का फील्ड है उसको बदल देते हैं तो मान लीजिए असली में आपने लिखा है और आपका नाम राम सिंह है और जो आपका विक्टिम है उसका कोई मित्र है श्याम सिंह तो वो ई में नाम राम सिंह ना होके श्याम सिंह के नाम से आ जाएगा और जो आपका विक्टम मैं वो तुरंत देखिएगा रे ये तो मेरा दोस्त है इसने क्या जानकारी मांगी है मैं इसको तुरंत दे देता हूं तो ये कुछ आ, स्पूफिंग के मामले हैं ये जो है विशिंग होती है और वॉइस फिशिंग होती है तो विशिंग का मतलब क्या देखिए स्पूफिंग हो गई मैंने आपको इसके उदाहरण दिए अब ये जो है ये है हमारी विशिंग विशिंग का मतलब है वी जो है ये वॉइस के लिए आता है ये फिशिंग ही है विशिंग फिशिंग ही है है बट ये क्योंकि वॉइस के माध्यम से की जा रही दूरभाष पे आपको की गई कॉल के माध्यम से तो इसलिए एक नया इसका नाम रख दिया है विशिंग वॉइस फिशिंग ओके सो फिशिंग वॉइस अगर हो जाती है तो ये हो जाती है विशिंग सो so, uh, एक ऐसी रणनीति है इसकी देखिए सोशल इंजीनियरिंग इंटेलिजेंट सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति है और पीड़ित को जानकारी और खाते की तक एक्सेस पहुंचने का लालच दिया जाता है अक्सर जो है ये सरकार टैक्स इन्फोर्समेंट पुलिस या बैंक से फ़ोन करने का स्वांग रह जाते हैं मित्रों ये जो वॉइस फिशिंग है इसके बारे में मैं आपको एक अपनी निजी जिंदगी से एक उदाहरण देना चाहूँगा आज से करीब दो महीने पहले Uh, समझिए दिसंबर uh, की बात है और uh, मुझे जो है एक uh, uh, पहले व्हाट्सएप मैसेज आया uh, अपनी एक पीएचडी uh, के समय की uh, कॉलिक का जो मेरे साथ में पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी पीएचडी uh, का शोध कर रही थी तो उनके यहाँ से मेरे पास एक व्हाट्सएप आया अच्छा अब सब अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं तो उनसे मेरी कोई बहुत ज़्यादा पीएचडी करने के बाद छः सात साल बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है तो बट हाँ होली दिवाली पे एक दूसरे को ग्रीटिंग्स जरूर आ जाती हैं नए साल पर तो जन्मदिन पर या बाकी कुछ तो उन्होंने जो है कहा कि देखिए मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनकी तो ये उन्होंने व्हाट्सएप पे कहा मेरे ब्रदर इन लॉ की तबीयत बहुत ख़राब है मैं जो है मुझे कुछ धन की आवश्यकता है और मैं और मेरे पति जितना भी कर रहे हैं हम जो हैं बहुत ज़्यादा हमसे हो नहीं पा रहा तो जितना भी आपकी श्रद्धा हो आप जो है हमें थोड़ा सा धन दे दीजिए मैंने कहा मैं आपसे फ़ोन पर बात करना चाहता हूँ तो कहती हैं ठीक है इतने बजे कर लीजिए तो फिर हमने उनको फ़ोन किया नहीं उन्होंने फ़ोन किया हमने जिस टाइम किया उन्होंने उठाया नहीं फिर जो उन्होंने टाइम बताया था हमने उस टाइम किया उन्होंने उठाया नहीं फिर उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन पे जैसी उनकी आवाज़ जैसा उनका एक्सेंट वो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोलती हैं अंग्रेज़ी एक्सेंट बहुत अच्छा है बिल्कुल उसी एक्सेंट में कोई व्यक्ति बात कर रहा था और आ, कह रहा था कि देखिए हमें इतना इतना ऐसा मुझे कुछ मार था मेरा ठन का आ, मैंने सोचा देखिए ये महिला को मैं अब दस बारह वर्ष हो गए जानते हुए जितना मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा किस्म की है और आ, ये किसी से कुछ पैसे तो कभी नहीं मांग सकती तो मैंने अपने दिमाग में थोड़ा सा अध्ययन किया फिर मैंने अपने बाकी जो मित्र थे वो पीएचडी के समय के उनसे संपर्क साधा और उनसे कहा उन सभी मित्रों को चार ऐसे मित्र थे जो इस वर्ष अभी इस समय भारत में हैं एक भारत में नहीं रहते हैं तो चारों के पास इन मैडम का कॉल आया था और सेम स्टोरी बिल्कुल वही कहानी जो है दोहराई गई थी पहले जो है फ़ोन पे बात करने से मना कर दिया और जो है आ, पैसे की मांग की और उसके बाद जो है जब कहा कि बात करो तो बात भी बिल्कुल ऐसी ऐसा लग रहा था कि आवाज़ इनकी है बट नहीं है कुछ खटक रहा था तो एक मेरे मित्र हैं जो उनके घर के पास रहते हैं उनसे हमने कहा कि भाई आप ज़रा इनसे कभी मिलिए इनसे बोलिए कि आपको साथ थोड़ा मिलना चाहते हैं घर पे या घर के बाहर कॉफ़ी शॉप में इनसे थोड़ा मिलिए ये इनसे मिले और उन महिला ने तो कम्प्लीटली मना कर दिया ये कहती हैं कि नहीं ऐसा तो कभी है ही नहीं मेरे तो कोई देवर है ही नहीं सो so, अब बीमार होने की तो कोई बात ही नहीं जब उन्होंने कह दिया देवर नहीं अब देखिए कहाँ तक बात हो गई थी फिर हमने जो है पुलिस में इनसे शिकायत लिखवाई और पता चला कि जो चोर थे वो इनके फ़ोन का इन्होंने क्लोन कर लिया था और वो वॉइस फिशिंग कर रहे थे और देखिए अगर हम लोग मदद कर देते वो पूरा बैंक अकाउंट भी दे दिया बैंक अकाउंट जो इन इन्होंने स्थापित किया था इनकी आइडेंटिटी चुरा के इन्हीं के नाम से इन्हीं के आधार नंबर से इन्होंने एक चोरों ने बैंक अकाउंट भी खोल लिया था और उस बैंक अकाउंट में चोरों ने जो है चार पाँच लाख रुपये भी लोगों से ले लिए थे अलग अलग लोगों से हमारे जैसे तो अगर हम इनकी बातों में आ जाते तो ना केवल हमने पाँच दस पंद्रह बीस हज़ार जितने भी दिए होते भाई किसी का इलाज कराना है तो आदमी दे ही देता है अगर अपना कोई घनिष्ठ हो अम, तो वो ना केवल वो पाँच दस पंद्रह हज़ार रुपये जाते बट उस बैंक अकाउंट में पड़े हुए बाकी भी जितने पैसे होते वो भी सारे संकट में आ जाते सो so, ये थोड़ा सा हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमेशा उस व्यक्ति से बात कीजिए अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये कैसे मांग रहे हैं या कैसे इनको चाहिए किसी का नाम लेके ईमेल आता है कि आशीष जी को पैसे की जरूरत है तो आशीष जी को फ़ोन कीजिए तो मित्रों फिर जो है हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्कीमिंग और स्मिशिंग की स्कीमिंग uh, जो है आमतौर पर एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल पीओएस यानी कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जैसे आप जाते हैं दुकान में क्रेडिट कार्ड का स्वाइप uh, करने का या डेबिट कार्ड को स्वाइप करने का जो टर्मिनल होता है उसको हम कहते हैं पीओएस टर्मिनल यानी कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल इस पे ये जो स्कीमिंग है स्कीमिंग का मतलब है दूध में से मलाई निकाल लेना उसको हम स्कीमिंग कहते हैं तो वैसे ही जैसे आपके क्रेडिट uh, कार्ड से कैसे डेटा या डेबिट कार्ड से कैसे डेटा चुराना है ये ये इसको ऐसे किया जाता है है इसलिए इसका नाम एटीएम या पीओएस टर्मिनल आ, पे छेड़छाड़ करते हैं जो डेटा स्ट्रिप होती है जो आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है उसको डेटा स्ट्रिप कहते हैं उसमें सारा डेटा स्टोर्ड होता है उसको चुंबकीय पट्टी को जो है इस तरह से उससे डेटा कॉपी करने के लिए साजिश की जाती है बाहरी उपकरण लगाए जाते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन में या एटीएम मशीन में ताकि वो आपका पिन की फोटो ले ले, आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप से डेटा चुरा ले आ, कई बार क्या होता है जो एटीएम का जो आ, या जो आपका पीओएस मशीन होती है उसका जो न्यूमेरिक की पैड होता है वो उठा हुआ होता है क्योंकि उसके नीचे लोग की लॉगर लगा देते हैं तो इस की लॉगर के माध्यम से जो है आपने जो भी आपका है आपने टाइप किया वन टू थ्री फोर ये आपका पिन है ए में या पी मशीन में तो ये वन टू थ्री फोर उसने कैप्चर कर लिया या आपका जो है थ्री डिजिट का सी नंबर है नाइन एट सेवन ये उसने कैप्चर कर लिया फोटो खींच ली सो so, लेन देन और पिन के रिकॉर्ड करने के लिए एटीएम में कैमरे लगे होते हैं चिप डेटा कैप्चर करने के लिए डिवाइस स्थापित होते हैं Uh, ये तो हो गया स्कीमिंग का अब हम बात करें अगर स्मिशिंग की तो स्मिशिंग टेक्स्ट मैसेजेस एसएमएस मैसेजेस के माध्यम से अटैक किया जाता है स्कीमर जो है एक ज्ञात व्यक्ति के रूप में सामने आता है वो कहता है तकनीकी सहायता कर्मचारी हूँ मैं टैक्स सपोर्ट हूँ मैं मैं जो है सरकारी कर्मचारी हूँ मैं बैंक में काम करने वाला कर्मचारी हूँ प्लीज़ मुझे ये दे दीजिए आज सुबह ही मेरे पास आया कि मैं बिजली बोर्ड से बोल रहा हूँ आप अपना बिजली का भुगतान कर दीजिए इस डेट तक अन्यथा आपकी जो है बिजली डिस्कनेक्ट हो जाएगी ज़्यादा मदद के लिए सो एंड सो नंबर पर कॉल करें फिर आ, मेरे पास दो दिन पहले आया आपने अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है आ, इस पर आपको चालान हो सकता है नोटिस इशू हो सकता है फलाने फ़लाने नंबर पर कॉल करिए देखिए अगर कोई ऐसा मोबाइल नंबर हो और किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूट की बात हो रही हो तो ये हमेशा आपको डाउट में डालना होगा बिकॉज uh, सरकारी इंस्टीट्यूट्स में ऐसा कभी होता नहीं है और जाके अपने रिकॉर्ड चेक कर लीजिए कि क्या वास्तव में आपका प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्ट है या क्या वास्तव में आपने जो है आ, आ, कुछ आ, आपका जो है क्रेडिट कार्ड ख़त्म हो रहा है या डेबिट कार्ड की वैधता ख़त्म हो रही है ये चेक कर लीजिए अपने आप इन पर विश्वास करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ किसी पर भी बिना देखे आँख बंद करके विश्वास ना करें अपने पासवर्ड अपने पिन नंबर बहुत सुनियोजित तरह से अपने पास रखें

हो जाएगी और आपकी पहचान से जो है ऐसे कुछ कार्य किए जाएं जो आपको पसंद ना आए जो आपका नुकसान करें फिर मित्रों सिम की स्वॉपिंग सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल जो हमारे जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं इनके बीच में कम से कम एक सिम होता है या दो सिम होते हैं ड्यूअल सिम फोन होंगे तो सब्सक्राइबर इंटरनेट आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल ये होता है सिम uh, जो आप सब्सक्राइबर हैं आपको आइडेंटिफाई करना चाहता है और एक मॉड्यूल के माध्यम से करता है वो मॉड्यूल एक चिप होता है अब क्या होता है ये जो सिम का जो हाईजैकर है ये जो हिम सिम को जो चोरी करना चाहता है आ, ये अपने सिम कार्ड पर पीड़ित व्यक्ति के फ़ोन नंबर को पोर्ट करने का आ, सर्विस प्रोवाइडर जो है मान लीजिए एयरटेल है या बी है उसको ये मना लेता है कि देखिए ये जो है आ, राम सिंह का नहीं बल्कि श्याम सिंह का या फलाना सिंह का मोबाइल नंबर है इसमें डेटा को पोर्ट कर दीजिए और आने वाले जितने भी ऐसे संदेश हैं ओ है, है मैसेजेस हैं वो धोखेबाज जो है आ, टेक्स्ट आधारित टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को पूरा कर कर लेता है उसके पास भी वही मैसेज जाने लगते हैं और वो आपके सारे खातों तक आसानी से पहुंच सकता है और यदि आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया ही नहीं है टेक्स्ट आधारित जो ओ आता है तो तो उसका काम और आसान हो जाता है वो तो नया पासवर्ड बना लेगा और सिम का उपयोग करके आपके बाकी जितने भी खाते हैं यहां तक कि इवन सोशल मीडिया अकाउंट्स तक भी पहुंच जाएगा आपकी जानकारी चोरी करना चाहता है अपने लिए करना चाहता है कभी कभी आपको शर्मिंदा या अपमानित भी करना हो सकता है सिम की क्लोनिंग भी होती है सो so, सिम की हम क्लोनिंग करते हैं तो जालसा ये और भी ज्यादा खतरनाक है uh, सिम में तो क्या है आपको पता चल जाएगा कि आपको मैसेजेस आई नहीं रहे आपके मैसेजेस कहीं और जाने लगे आपको पता चल जाएगा देर सवेर बट सिम क्लोनिंग और भी ज्यादा खतरनाक है मित्रों क्योंकि इसमें जो है uh, आप ही के सिम का एक डुप्लीकेट बन गया है और आप के पास मैसेज जा रहे हैं साइमल्टेनियसली किसी और व्यक्ति के पास भी जा रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि दूसरे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जब तक आपका नुकसान नहीं हो जाता तो भौतिक सिम जो है जो फिजिकल सिम है जो आपके हाथ में है वहाँ तक जालसाज व्यक्ति ने अपनी पहुँच बना ली फिर वो जो है कार्ड कॉपी सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है और जो आपका भौतिक सिम है जो मेन सिम है जो मूल सिम है उसका डुप्लीकेट बना लेता है ओ संचार प्रणाली का उपयोग करता है और एस एस के माध्यम से सिम पर भेजे गए अपडेट्स को इंक्रिप्शन जो होता है जो 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 आपकी जो प्रणाली है जिससे संदेशों को आप सीक्रेट रखते हैं वो तोड़ देता है और हैकिंग रिमोटली भी बैठ के कर सकता है सामने बैठ के करने की आवश्यकता नहीं है मित्रों हम सभी ने एटीएम कार्ड्स का प्रयोग किया है करते हैं आगे भी करेंगे पैसे निकालने के लिए हम जो है एटीएम कार्ड और हमारे जो पिन तक पहुंचने के लिए ये जो चोर हैं ये स्किमिंग स्मिशिंग क्लोनिंग इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं कई बार आप ध्यान दे के देखिए कि वो जो एटीएम कार्ड में है कहीं कोई टेप तो नहीं लगा हुआ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि आपको ट्रैप कर रहे हैं जानबूझ के वो जो जहां वो कार्ड को डालना होता है उसको जैम कर देते हैं जब तक आप निकालने की कोशिश करते हैं आपकी जानकारी चुरा ली जाती है जो महत्वपूर्ण बटन हैं उनको जाम कर दिया जाता है ब्लॉक कर दिया जाता है जैसे कि एंटर कैंसिल और वो जानकारी जो है आप रोक नहीं सकते कि कोई चोर ले रहा है तो किसी भी एटीएम में जाने से पहले मित्रों देख लीजिए कि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं सुनसान जगहों पे स्थित एटीएम पे जाने से बचें जहाँ तक हो सके ऐसे एटीएम पे जाने से बचें जो आ, कार्ड आपकी आंखों से ओझल हो जाता है जो आपको जो मशीन जो है कार्ड को अपने अंदर ले, ले लेती है पुराने ज़माने के एटीएम ऐसे ही होते थे बट अब जो ए आ रहे हैं जो बड़े शहरों में हैं मेट्रोज में हैं छोटे शहरों में हैं गाँव और कस्बे में अभी भी पुराने ही ए आपको मिलेंगे बट जो छोटे शहरों में बड़े शहरों में मेट्रोज में मिलेंगे वो आपको सब नए ए मिलेंगे जो बस आपको कार्ड स्वाइप करना होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप को वो रीड कर लेती है मशीन और कार्ड अंदर नहीं जाता कार्ड कभी आपकी आंखों से ओझल नहीं होता कार्ड आपकी आंखों से ओझल हुआ तो हमेशा खतरा रहता है कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा अंदर सिमिलरली आप कभी पेट्रोल भराने जाते हैं रेस्टोरेंट जाते हैं तो कभी भी वेटर को या पेट्रोल भरने वाले को अपना क्रेडिट कार्ड मत दीजिए डेबिट कार्ड मत दीजिए क्योंकि उसके पीछे आपका जो तीन अंकों का चार अंकों का सिड नंबर है सी आई डी कार्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो लिखित थे उसके साथ जाइए या उसको बोलिए कि आपके पास कॉर्डलेस मशीन होगी आजकल सबके पास कॉर्डलेस पी ओ एस मशीन होती है तो कॉर्डलेस मशीन लेके आइए आपके सामने आप वहीं पर एंटर करिए मित्रों आम, ये इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए जो चुंबकीय पट्टी होती है उस पर से डेटा कैप्चर करने का प्रयास होता है मूल रूप से अगर हम देखें तो चोरी दो प्रकार से की जाती है एक चुंबकीय पट्टी पे जानकारी को कैप्चर करना चाहते हैं और दूसरा एक छोटा सा कैमरा होता है जो आपका पिन का पिन है उसको कैप्चर करना फोटो क्लिक करना चाहता है आ, देख लीजिए कोई संलग्न उपकरण तो नहीं है छिपा हुआ कैमरा तो नहीं है कोई टेप तो नहीं लगा हुआ कोई चुइंगम तो नहीं लगी हुई अगर टेप या चुइंगम है इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही हटा गया है तो उसको ये संदिग्ध ऐसी एस जगहों पे मत जाइए जो कार्ड स्लॉट है वो बाहर तो नहीं निकल रहा ऐसा तो नहीं कि वो कार्ड स्लॉट बाहर निकला हुआ है तो अंदर कोई कैमरा लगा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए जो कीबोर्ड है वो मोटा तो नहीं है ये जो है कोई गोंद या कोई टेप इसकी जरूर जांच कर लीजिए मित्रों हमारा जो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है 2000 वर्ष में आया है उसकी धारा तिरतालीस बी के तहत आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि डेटा की चोरी परिभाषित है डेटा थेफ्ट परिभाषित है व्यक्तिगत जानकारी या संवेदनशील डेटा को चोरी नहीं होनी चाहिए आ, कोई भी जानकारी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की पहचान करा दे उसको हम व्यक्तिगत जानकारी कहते हैं कुछ संवेद व्यक्तिगत जानकारी है जैसे कि पासवर्ड वित्तीय जानकारी आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मेडिकल रिकॉर्ड कोई कौन सी बीमारी है इसको हम कहते हैं सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन यदि कोई भी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन का लीक होता है तो जो कंपनी जिसने लीक किया है जिसके कंपनी के कर्मचारी ने कोई लापरवाही की है तो कंपनी उत्तरदायी है और जो कर्मचारी उत्तरदायी है धारा बहत्तर ए के तहत और कंपनी उत्तरदायी है धारा तिरतालीस ए के तहत मित्रों आइडेंटिटी थेफ्ट की हम बात करेंगे तो जब एक अपराधी आपराधिक कृत्य करने के लिए पीड़ित व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को चुराता है पीड़ित की पहचान पर कब्जा कर लेता है और उसके नाम पर विभिन्न धोखाधड़ी करने लगता है उसके नाम से पैन कार्ड बनवा लिया उसके नाम से बैंक अकाउंट खोल लिया छत्तीसगढ़ राज्य में एक बहुत बड़े अधिकारी थे उन्होंने कृषि विभाग में उच्च पद पे आसीन थे उन्होंने जो कृषक थे जो खेती और किसान थे उनके सबके फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाए और उनमें अपना जो है करप्शन से कमाया हुआ पैसा उसमें जमा कराया और इन सभी किसानों को जिन्होंने कभी पांच हजार रुपए नहीं देखे उनके अकाउंट में लाखों रुपए पहुंच गए इनको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आने लगे तब जाके आ, उजागर हुआ कि इनकी तो पहचान चोरी हो गई थी इनकी आइडेंटिटी चोरी हो गई थी इन गरीब किसानों की सो तो, ये जो है प्रतिरूपण या इम्पर्सनेशन पे आधारित है अधिकांश लोगों को तभी पता चलता है कि उनके साथ आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई जब वो बैंक खाता खोलने जाते हैं नौकरी के लिए आवेदन लेते हैं ऋण के लिए आवेदन करते हैं इत्यादि तो आरबीआई समय-समय पर बैंकों को प्रोत्साहित करता है बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित सटीक बनाने की कोशिश करता है आइडेंटिटी थेफ्ट पर अंकुश लगाने का प्रयास करता रहता है मित्रों अंत में हम बात करें तो हम देखेंगे कि साइबर क्राइम का उल्लेख पॉपुलर मीडिया में लोकप्रिय मीडिया में जमताड़ा आपने देखा होगा आ, ये हैक क्राइम्स ऑनलाइन मिस्टर रोबोट ये इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ओ इत्यादि में आ रहे हैं आ, जालसाज व्यक्ति जो है इम्पर्सनेशन विभिन्न रूप से करते हैं पीड़ितों को मूर्ख बनाया जाता है उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाता है ताकि उनके जो है विश्वास को जीतने में हम सक्षम हो जाएं साइबर क्राइम करने के लिए धोखाधड़ी एक मेन रीज़न है क्यू कोड के घोटाले होते हैं हमेशा जब आप कोई क्यू कोड पेमेंट करते हैं हमेशा पूछ लीजिए ये राम सिंह जी का ही अकाउंट है अगर लिखा हुआ आ रहा है राम सिंह ऐसा हो सकता है किसी और का हो तो बैंकिंग प्रणाली में दुनिया भर में खामियां हैं और ये धोखेबाज उसका फ़ायदा उठा रहे हैं सुरक्षा उपायों में हमें ज़रूर पालन करना चाहिए आ, आ, हर साल बैंकिंग फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं साइबर के माध्यम से और आने वाले वर्षों में और बढ़ने की आशंका है क्योंकि डिजिटल बैंकिंग का प्रयोग बढ़ता जा रहा है हमें बंद करने की आवश्यकता नहीं है पर थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता है आशा करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और इसी कड़ी में द्वितीय लेक्चर में हम जल्दी आपसे मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू